तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम इसकी सीधा वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है जो कागजा होता है वो एक जगह पहुंच जाता है, वहां पे स्टोरी सुन रहा होता है और स्टोरी सुन के उसके आंखों से गिर रहे होते हैं आंसू। और वो फाइनल कर देता है स्टोरी को, चला जाता है मिजुहारा के पास और वो स्टोरी उसे दिखाने लगता है। कह रहा होता है ये फेमस नहीं है लेकिन काफी अच्छी है। और मिजुहारा जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं पढ़ लूंगी तो फिर मैं तुझे बताऊंगी। कागजा है उसके दिमाग में चल रही होती है उस लड़की की बात कि मिजुहारा जो है वो तुझे प्यार करती है और वही वो सोच रहा होता है। और वो अपने घर में चला जाता है और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता है क्योंकि यामोरी ने जो चीज बोली थी वो उसके दिमाग में बस गई है। और ये होप ही कर रहा होता है कि मिजुहारा को स्क्रिप्ट पसंद आए। मिजुहारा जो होती है स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, उसको काफी ज्यादा सही लगती है और वो इसके पास मैसेज कर लेती है जिसको पढ़ के ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। देखने को मिलता है जो मिजुहारा होती है एक जगह खड़ी होती है और वहां पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि ये कोई मॉडल है और वो इसको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन कागजा वहाँ पे जाता है जिसको देख के सारे लोग जो होते हैं वो शॉक में होते हैं। कागजा जो होता है वो कहता है कि जो जगह है यहाँ थोड़ी ही दूर पे है तो ये लोग पैदल जा सकते हैं और ये वहाँ पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे एक डायरेक्टर जैसा इंसान होता है जो कि आईडी को चेक करता है और कह रहा होता है इतनी सुंदर लड़की हमारे कॉलेज में थी इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। जो कागजा होता है वो बोल रहा होता है जो इसका एक्टिंग करियर है उसको हमें सीक्रेट रखना है स्कूल में और वो ये बात मान जाता है। लेकिन वो कह रहा होता है कि टाइम बहुत कम बचा है, क्या तो सारी लाइनों को याद कर लेगी? वो कहती है बिल्कुल वो करने की कोशिश करेगी। और उसके बाद बाहर देखने को मिलता है बारिश होने लगती है और कागजा दौड़ता हुआ चला जाता है छाता लेने। और वो जो आदमी होता है वो कह रहा होता है कि ये पूरे टाइम ही ऐसा था। और वो बताने लगता है कि क्या तुझे इसने बताया नहीं कि इसने कैसे कन्वेंस किया है मुझे इस प्रोजेक्ट में आने के लिए? और वो एक्चुअली में बताने लगता है कि हमारे जो क्लब है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था फिल्म शूट इस समर ब्रेक के लिए। लेकिन वो इसके सामने आता है, गिड़गिड़ाता है और कह रहा होता है कि वो बहुत सारी चीजें वो करता है तुझे, इसलिए उसको रिटर्न करने का वक्त आ चुका है और वो चाहता है रिटर्न करना और वो चाहता है कि ये लोग सारे लोग मिलकर उसे हेल्प आउट करें और ये प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाए। इसीलिए मैं तुझे मिलना चाहता था और बात करना चाहता था और जानना चाहता था किस तरह की लड़की है जिसके लिए ये इतना ज्यादा पागल रखा है। उसके बाद जो मिजुहारा होती है वो सोचती हुई जाती है, स्माइल करती है और वो तैयार होती है। जो देखने को मिलता है जिसके बैकर्स होते हैं जीरो हो जाते हैं और ये हो जाता है पैनिक। अब ये सोच रहा होता है मिजुहारा से बात करने की लेकिन उसके पास जा नहीं सकता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। उतने में देखने को मिलती है वो जो लड़की होती है यामोरी, वो उसके रूम पे आ जाती है और ये सब पूछ रहा होता है आखिर वो यहाँ क्यों आई है। और वो कह रही होती है मुझे जाने की क्यूरियोसिटी हो रही थी, मेरे को रात में नींद नहीं आती थी कि अगर दोनों के बीच क्या हुआ, इसलिए मैं जानने के लिए आई हूँ। और वो एकदम से कमरे में आ जाती है और उसके अपार्टमेंट में आके सारी चीजें पूछने लगती है और कह रही होती है जब लोहा गर्म हो तभी हमें अटैक करना चाहिए, कैसे उन्हें मिजुहारा को कन्विंस करा और अपनी फीलिंग्स को उसको बताया कि नहीं बताया। उतने में देखने को मिलता है वो क्राउड फंडिंग वाली चीज जो होती है उसको देख लेती है और ये सोच रहा होता है यार अब इसको सारी चीजें पता है तो ये भी पता चल जाएंगी तो कोई बात नहीं है। हालांकि वो देखती है और वो उसको सारी चीजें बताता है, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। हालांकि ये उसे बताता है कि जो क्राउड फंडिंग वाली चीज है वो बहुत अच्छे से नहीं चल रही है और ये कह रही होती है कि ये उसकी हेल्प कर सकती है, एक्चुअली इसको एक्सपीरियंस है क्राउड फंडिंग में। और वो उसके बाद सारी चीजें चेक करने लगती है और कह रही होती है कि ये बिल्कुल रुकी मिस्टेक है। और ये मुझसे पूछता है वो मिस्टेक क्या है, वो कहती है मुझे क्या पता। हालांकि ये कह रही होती है कि इन सारी चीजों को हम फिक्स कर सकते हैं लेकिन तू ये चीजें फिक्स नहीं कर सकता है क्योंकि तू बहुत ही नया है और चीप ट्रिक्स जो है वो थोड़े दिनों बाद काम करना बंद कर देती है। हम स्टार्ट में तो अट्रैक्शन ले आ पाते हैं लेकिन उसके आगे जो चीजें होती है हम वो फॉरवर्ड नहीं कर पाती है। और वो बोलने लगती है एक काम करिए उसका URL और स्क्रीनशॉट जो है एनालिटिक्स पेज का वो मेरे को भेज दियो, मैं एनालाइज करके तुझसे मिलूंगी। उसके बाद वो एनालाइज करती है और उसके रूम पे दोबारा आती है और इसे पूछ रही होती है क्या तू इस मूवी प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाना चाहता है? वो कहता है बिल्कुल मैं बनाना चाहता हूँ। और वो कह रही होती है तो फिर मुझे तेरी जरूरत है। और वो इसके कमरे में आ जाती है, बाकी जो लड़कियां होती है वो भी होती हैं और वो कह रही होती है कि स्ट्रेटेजी मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। हालांकि जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है वो पैनिक में हो जाती है, कह रही होती है एक नई लड़की और क्या कर रही है इस घर में, कागजा तूने मेरे को ये चीजें क्यों नहीं बताई? और ये जो होता है ये समझाने लगता है कि ये मेरी नेबर है और वो कहती है नेबर है तो तेरे अपार्टमेंट के अंदर क्या कर रही है, तेरे कमरे में क्या कर रही है और उसके ऊपर से इसको मूवीज के बारे में क्यों पता है? हालांकि ये उमर जो होती है उसको शांत करने की कोशिश करती है और कहती है मिस गर्लफ्रेंड आप शांत रहिए, मेरे और मास्टर के बीच में कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगती है और जब मिजुहारा होती है वो बात कर रही होती है कागजा से कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद कागजा ये सब बताने लगता है कि उसने सारी चीज देख ली थी उस दिन जब रुका से वो बात हो रही थी और उसने सारी चीज रिकॉर्ड भी कर ली थी तो उसको ये सारी चीजें बतानी पड़ी। फिर ये कहती है कि ये तो बैड न्यूज हुई हमारे लिए, तो ये कहता है नहीं नहीं चिंता मत करो वो बिल्कुल कूल है इन चीजों के लिए और उसके बाद इसको क्राउड फंडिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो ये हमें हेल्प कर सकती है इस चीज में। और यामोरी जो होती है वो पीछे से बोलती है और कह रही होती है ये जो टाइम है ये आर्ग्यू करने का नहीं है, अगर हमें
मूवी को सक्सेस बनाना है तो अभी के अभी इस पे हमें काम करना शुरू करना होगा। फिर उसके बाद सारे एनालिसिस करने के बाद वो सारी चीजें बता रही होती है कि क्या क्या गलतियां हैं, क्या चीज अच्छी है, इसकी भी तारीफ कर रही होती है कि इसने जो पेज बनाया है वो काफी अच्छा बनाया है, लेकिन वो कह रही होती है कि जो तुम लोगों का रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी गड़बड़ है। पर्क्स तो दे रखे हैं लेकिन वो सारे पर्क्स जो है वो कंप्लीशन के बाद वाले हैं, और जो लोग हैं वो मोटिवेटेड कैसे फील करेंगे अभी बीच में। और वो कहती है कि हमें कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी जिससे और रिवॉर्ड्स खुल सके उनके लिए और वो लोग और ज्यादा बैक करें हमें। तो वो कह रही होती है कि कुछ रिवॉर्ड के तौर पर हमें पर्सनल चीज देनी होगी मिजवारा की, और वो चीज वो एज अ रिवॉर्ड दे सकते हैं जैसे क्लोथ, शूज, जो चीज वो पड़ती है या फिर वो जो चीजें वो मूवी में यूज करेगी, इस तरह की सारी चीजें। और मिजवारा जो है वो बहुत ही सुंदर लड़की है तो उससे लेने में कोई एकदम शर्म वाली बात भी नहीं होगी और लोग जरूर लेना चाहेंगे। और कहा भैया के मन में उल्टी पुल्टी चीजें चलने लगती हैं। मिजवारा थोड़ी सी नर्वस जरूर होती है लेकिन वो कहती है कि मैं करूंगी ये चीज। और उसके बाद वो बोलने लगती है कि इसका जो ग्रॉस प्रमोशन है वो करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए हम बनाएंगे फ्लायर्स। मिजवारा आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो कि एक्टर होंगे तो आप उनसे प्रमोशन भी करवा सकती हो और यही पूरी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है। और उसके बाद तीनों को ऑर्डर देने लगती है कि जो मिजवारा है उसे रिवॉर्ड की तैयारी कर लेनी चाहिए, जो मास्टर है वो कन्विंस करेगा एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव को ताकि वो और ज्यादा रिकमेंडेशन में इस प्रोजेक्ट को लेके आए, और साथ ही जो ये गर्लफ्रेंड है ये काम करेगी उन फ्लायर्स के ऊपर और वो उसके डिजाइन को बनाएगी, और वो फ्लायर्स जो है हम पास आउट करने की कोशिश करेंगे लोगों में जब भी हम लोगों को टाइम मिलेगा। और वो मोटिवेट करने लगती है सभी लोगों को, कह रही होती है कि अब ये वक्त आ चुका है कि हम सब साथ मिलके जुड़ें और इस मूवी को सक्सेस बनाएं। और जो सारे लोग होते हैं वो बिल्कुल एकदम मोटिवेटेड होते हैं, हालांकि जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उससे चिपक जाती है और कह रही होती है जो काजुया है वो सिर्फ मेरे अराउंड रहेगा तेरे नहीं, और काजुया के लिए मैं सारी चीजें करने वाली हूँ। और इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन 203। उसके बाद एक लड़की देखने को मिलती है जो कि नहा रही होती है, उसके फोन पे एक मैसेज आता है, वो देखती है वो उसके पिताजी का आता है और वो काजुया के बारे में ही सोच रही होती है, उसके आंखों से आंसू गिरते हैं और उसको जाना होता है डिनर के लिए। जो फ्लायर्स होते हैं वो काजुया बांट रहा होता है लेकिन कोई भी लेने को तैयार नहीं होता है क्योंकि वो लौंडा होता है, क्योंकि पिछले दिन जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो आती है देने के लिए और लोग कूद कूद के ले लेते हैं, लेकिन जब ये दे रहा होता है एक लड़का तो लोग लेना पसंद नहीं करते। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है आज आ नहीं पाती है तो ये आज फ्लायर्स बांट भी नहीं पाता है, लेकिन कोशिश कर ही रहा होता है। उतने में देखने को मिलती है जो सुमी होती है वो वहाँ आ जाती है जो कि काफी ज्यादा शर्माती है और वो चीजें नहीं बोलती है ज्यादा, और वो जो होती है थोड़ी शर्माने लगती है और वो टेक्स्ट पे लिख के इस बात बता रही होती है कि ये अपने पापा के साथ डिनर पे जा रही है इसलिए वो इधर आई। हालांकि जो उसकी नजरें होती हैं वो फ्लायर्स की तरफ होती हैं, आखिर वो है क्या, तो वो बताने लगता है कि भाई ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, कैंपेन शुरू कर रखा है। और वो लड़की जो होती है वो दोबारा से टेक्स्ट में लिखती है कि ये तेरे लिए बहुत रफ होगा, क्या उसको कोई हेल्प चाहिए। वो कहता है नहीं थैंक यू, मैं ये चीजें कर लूंगा और ये एक स्ट्रेटेजी है तो इस पर मुझे वर्क करना ही करना है, और वैसे भी जब मैं बिल्कुल नीचे इस तरह पे गिर जाता हूँ तो मैं पुल बैक करता हूँ, अपने फीट पे आता हूँ और चीजों को कॉन्कर करता हूँ, और ये सारी चीजें मिजवारा के लिए हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ चाहे जितना वक्त भी लगे। और वो बोलता है कि अपने पिताजी से मेरा हाय बोलना, और उसे भेज देता है। वो रास्ते में देखती हुई जा रही होती है उस पैम्पलेट को, वो अपने पिताजी को मैसेज कर देती है कि वो आज नहीं आ पाएगी, और काजुया जो होता है वो सारे जो पैम्पलेट इधर उधर पड़े होते हैं उठा उठा के वापस लाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। देखने को मिलता है जो सुमी होती है वो पैम्पलेट्स में छांटा छाटी कर रही होती है और पूछ रहा होता है आखिर क्या हुआ, तुम्हारा तो प्लान था तुम्हारे पिताजी के साथ, तो वो कहती है कि मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ, और वो बहुत शर्माती है, वो पैम्पलेट लेती है वहां से भाग के आगे जाती है और एकदम पूरी हिम्मत जुटा के बोल रही होती है प्लीज सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट मूवमेंट होता है और क्यूटनेस से भरा होता है। और उधर से काजुया भी चिल्ला रहा होता है और वो वन वन कहती है, वो सुपर क्यूट मूवमेंट हो जाता है इस एपिसोड का। उधर देखने को मिलता है जो नेवर होती है वो पहुंच जाती है मिजवारा के घर में और वो अब चीजें ढूंढने वाली होती है और कह रही होती है ये हमारी मेन हीरोइन का रूम है, ये काफी ज्यादा क्लियर है और अब इसमें मैं ढूंढना शुरुआत करूंगी और वो चीजें ढूंढूंगी जो कि हम लोग रिवॉर्ड पे डाल सकते हैं। तो चीजें मिजवारा ने पहले फाइंड करके रखी होती है जिसको देख के ये काफी ज्यादा खुश होती है, कहती है कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अमाउंट इकट्ठा करना है तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो शायद कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए वो और ज्यादा इकट्ठा करना चाहती है तो वो चीज ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन ये कह रही होती है कि वो तो हम कर लेंगे लेकिन उतनी सारी चीजें यहाँ पे है नहीं, और नेबर जो होती है वो बोलती है कि इस अपार्टमेंट में कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है जैसे कि ये जो हेयर टाई है वो, और वो उसके हेयर टाई को ले लेती है, मिजवारा से छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं देती है और वो रिवॉर्ड सेक्शन में चला जाता है और कह रही होती है तेरे बॉडी से टच हुई कोई भी चीज होगी वो प्राइसलेस होगी और वो सारी की सारी बिकेगी। और उसके बाद वो चीजें ढूंढने लगती है, उसके वार्डरोब को खोल देती है, वहां पे बहुत सारे कपड़े होते हैं, एक एक करके देखने लगती है और कह रही होती है मैं इससे कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। रेंटल गर्लफ्रेंड से वो बताने लगती है कि हमें जब भी जिस क्लाइंट के पास जाना होता है तो हम सेम कपड़ों में हर बार बार नहीं जा सकते। उसके बाद ढूंढते ढूंढते उसमें से चाइनीज ड्रेस निकलती है और उसको देख के मिजवारा जो होती है शर्माने लगती है, वो उसे छीनने की कोशिश करती है लेकिन उसको डॉच करती रहती है और दोनों जो होती है बिल्कुल थक जाती है और वो उसके बिगीज जो होते हैं नेबर के बिगीज पे रगड़ रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा अमेजिंग मोमेंट हो जाता है। और एट द एंड मिजवारा को हार माननी पड़ती है
होती है और वो उस कपड़े को ले लेती है और कह रही होती है कि ये भी जाएगा हमारे रिवॉर्ड सेक्शन में। उतने में उसका ध्यान जाता है एक और ड्रॉअर में जो की होती है उसके अंडरगारमेंट की, और वो मिजवार की तरफ देखती है। मिजवार बिजी होती है, वो अट्रैक्ट होने लगती है उस ड्रॉअर की तरफ और वो उधर बढ़ने लगती है। वो खोलने ही वाली होती है, मिजवार आ जाती है और रोकने लगती है उसे, कह रही होती है कि नहीं इस ड्रॉअर को बिल्कुल नहीं टच करना है और इसमें से कुछ नहीं। हालांकि वो चिल्ला रही होती है कि नहीं मुझे खोलने दे, मुझे देखना है, मुझे इसमें से रिवॉर्ड वाली चीज निकालनी है। और मिजवारा बोल रही होती है कि कोई भी वे में इसमें से रिवॉर्ड तो नहीं जाने वाला है। और फिर दोनों जो होती हैं वो थक के नीचे गिर जाती हैं और वो कह रही होती मुझे तो देखने दे इसके कपड़े, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। और उसके बाद वो सामान जो इकट्ठा हो जाता है वो कह रही होती है अब इनको क्लीन अप करना होगा, इनका फोटो सेशन होगा। उसके बाद वो पूछने लगती है मिजवारा के बॉयफ्रेंड के बारे में, वो कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं और वैसे भी अभी मैं बिजी पर्सन हूं, तो डेट जो है वैसे भी मेरे एक प्रोफेशन का ही पार्ट है तो मैं उन चीजों में ज्यादा ध्यान देती नहीं हूं। और ये कह रही होती है मुझे मेरे मास्टर के लिए कंफर्मेशन मिल चुका है। हालांकि वो पूछ रही होती है कि क्या पता मास्टर हमारे क्या कर रहे होंगे। और फिर उतने में ही मिजवारा से बताने लगती है तूने ही तो क्राउड फंडिंग के लिए बोल रखा था ना, काम दे रखा था तो वही काम करने गया होगा। कहने लगती है उससे पूछने लगती है आखिर तू क्या सोचती है मास्टर के बारे में, क्या वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। और वो कहती है अचानक से ये क्वेश्चन कहां से आ गया। और जो नेबर होती है वो बोलने लगती है कि तेरे लिए वो सारी चीजें तो कर रहा है, वो जितनी भी चीजें कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। तो उसकी एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, वो तेरा क्लाइंट है, तुम लोग शेयर करते हो सेम अपार्टमेंट सेम बिल्डिंग, कॉलेज भी सेम है तुम लोगों का। हालांकि वो जो एक प्रीटी एवरेज लुकिंग पर्सन है लेकिन वो तुझे पसंद जरूर करता है। हालांकि वो कह रही होती है कि हाँ वो मेहनत मेरे लिए बहुत करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा काइंड है, इसलिए वो ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन रोमांटिक चीज हम लोगों के बीच नहीं है, वो सिर्फ ये सारी चीजें मेरे लिए कर रहा है क्योंकि मुझे मूवी बनानी है। और यामुरी जो होती है वो उससे कहती है कि वो तुझे पसंद करता है, मैं श्योर हूँ कि मास्टर जो है वो तुझे पसंद करता है। मिजवारा जो होती है उससे कहने लगती है ऐसा नहीं है, वो मुझे एज अ पर्सन जरूर पसंद कर सकता है। यामुरी जो होती है कहती है नहीं वो तेरे को प्यार करता है और मैं इसके लिए बहुत श्योर हूँ। मिजवारा जो होती है वो बोल रही होती है कि मैंने उससे ऑलरेडी एक बार पूछा है लेकिन उसने मना कर दिया था, अगर वो हाँ बोलता तो शायद हम लोग के बीच में सारी चीजें एकदम अलग होती, लेकिन उसने मना कर दिया था। जो यामुरी होती है वो बोलने लगती है कि कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो डायरेक्टली तेरे मुंह पे तेरे को हाँ बोल देगा ऐसे ही, और तू एक्चुअली बिलीव करती है अगर उसने ना कहा भी वो तुझे पसंद करता है, तुझे प्यार करता है, और तू क्यों लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है एक सैंड में। कोई भी पे कर सकता है तुझे डेट पे जाने के लिए, फिर गुड बाय बोल सकता है, तुझे यही लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग के अंदर फीलिंग्स होती है, वो ह्यूमंस होते हैं, वो तेरे रियल बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। तू काफी ज्यादा सुंदर है, तू इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और तेरे जैसी लड़की जो है किसी के साथ कुछ घंटों के लिए भी साथ होगी, कोई भी चाहेगा तुझे अपनी रियल गर्लफ्रेंड बनाना, वो सारे के सारे ही ह्यूमंस, इनको स्टूपिड कहना तो बहुत ही बेकार की बात। और तेरे ही क्लाइंट्स में से शायद कोई एक ऐसा हो सकता है जो तेरे को जिंदगी भर के लिए खुश रखे, और अगर इन सारी चीजों के बारे में अगर हम सोचें तो काजुया जो है वो तुझे ज्यादा खुश रख सकता है। और इसी सब खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था, देखने में काफी ज्यादा मजा आया। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।